वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स ब्रेक ते वन खा में साई अल्ताफ साहब गाल बोल कर रहे पर हाँ साई जन का मुझे यो सवाल आ तो सर ये असाजे सिंध के डोमिसाइल से एक ट्रेंड सेट थी वो जन हर साल चार पंज असा इवन मीडिया वा इन शन हाईलाइट कंदा तो बेन सूबन जहाँ मूँ इतना जो डोमिसाइल ठहर है वह इम्तिहान पाया दियन असो जो बराड़ी जो स्टूडेंट आ सिंध की कोटा से उनको जन हक मरे पे हर साल चार पंज स्टूडेंट असा ये रह पन हालांकि सीट तो एक इंपॉर्टेंट आ हाँ यो एक सिस्टम आ शुरू चंगे टाइम का हले पो अस हाँ वो वो घटो अलग शे तो इनके खत्म किए तो कर सकते तुम मिसाल तौर मेन स्ट्रीम में आयो तुठन उहदन से पौता अस यो भी ब्यूरोक्रेसी मुल्क हल्दी आ तो हाँ तुम मन इन सिस्टम के खात्मे ला कड़ी मन कोशिशों वठंद या अड़ा के फोरम्स आने या तुझो को इरादो आ ना तुझो सवाल घा रुखो सवाल जी जी ठीक है ना पेरी गाल ही है तो सी एस एस जो इम्तिहान कोटा के बुनियादन से सही है डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स की ठीक है हर सूबे की पैंकी कोटा है उन बुनियाद डोमिसाइल से पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट मूजिब जो डोमिसाइल ठे तो हाँ डोमिसाइल ठहण के लिए प्रोसेस गवर्नमेंट बुधा है ठीक है डिप्टी कमिश्नर वो फाइनल अथॉरिटी है जो उन सिग्नेचर कन् उन्हें खां पेरी असिस्टेंट कमिश्नर है उन्हें खां पेरी मुख्तियारकार है इवन तपेदार भी उनमें इन्वॉल्व हों ठीक है इलेक्शन कमीशन में उत ही सबूत मिल मू जो इतने वोट दर्ज थियल है या कोने उन्हें पो जी एजुकेशन किथे है ये सब शूँ जांचे जूचे पो हिकरे इदारे में वेठल एको वो जो उन हेड है वो डोमिसाइल जारी कह ठीक है यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए एक इदारा कायम थियल जो वेरीफाई कंदा तो ही मानू हिते जो रिहाकू है या कोने ठीक है उत ही थी करे पो वो डोमिसाइल वने थो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे उन्हें को भी शक कोने तो पो वा सीट एलोकेट थी थी तो हे सिंध के कोटा से मानू आयो या पंजाब के कोटा से आयो जैसे कें मानू वट सबूत है तो ही मानू सिंध जो ना है वट डोमिसाइल गलत है तो पो पाकिस्तान में अदालतू मौजूद हैं जैसे वहाँ वट कें मानू के बारे में सबूत है तो जैसे लेट कर पाया तो दोही तवा आयो ठीक है तहां के पेरी जो सो फोरम एको मिलल है तहां वनो उते जे वट सबूत है जी जी अच्छा मां तहां खा वरी या गाल कंदस त या त एकरी मना हकीकत है त अन साई जे प्रोसीजर बुधायो त एकरो बागा हेठा का सिस्टम शुरू तो थे वनी डिप्टी कमिश्नर ताई पजे तो पर असा वट खास कर सिंध में जिते असा यूनिवर्सिटी जो डिग्री कूड़ी मिलंद तो उते मुझे ख्याल में जो मूँ बाहर डोमिसाइल ठारा है तो उनके जरूरत ना है जो हेठा का शुरू करे वो डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर क्लार्क के खर्ची कराए पैं कम कराए छी तो इन सिस्टम के किए खत्म कजे आखिर पे तो मैं तीन गाल मुतफिक ना तो जो इंप्रेशन जो तुझा तो सिंध में जिते कूड़ी डिग्री मिलंद मान तो समझा तो अज हाँ वो दौर रो है जो का कूड़ी डिग्री जो है ठहरा सकते फेक तो फेक होंगी है ठीक है न पर अड़ो को इंस्टिट्यूशन्स अजकल का यूनिवर्सिटी तक डिग्री तेज न पढ़िया हो जो मन तो समझा तो इन दौर में यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन एडियो हाईलाइट क्यों डिग्रीज हायर एजुकेशन कमीशन बाकायदा यूनिवर्सिटी तकरीबन यूनिवर्सिटी हाईलाइट दिसो तो डिग्री तो हाँ डिग्री एक पेपर से ठे थी कंप्यूटर में एक खास किस्म जो पेपर तुम वो उन प्रिंट निकली अचे थी उनके केर भी कॉपी कर इस्तेमाल करे तो कॉपी करे ओड़ो फॉर्मेट जो यूज करे तो जाली डिग्री हाँ वह डिग्री जो जिथे जमा कराए तो उन डिपार्टमेंट जो कम है तो उनके स्क्रूटनाइज करे जै यूनिवर्सिटी में वो डिग्री आई है उन यूनिवर्सिटी का पतो करे तो यह डिग्री वाकई तुम इशू कई है या न कई है एचईसी के भी इं खबर पवी ना जैसे उ डिग्रीज उन यूनिवर्सिटीज के मोकल तो यूनिवर्सिटीज बुधा तो ये अस डिग्री ना तो इन प्रोसेस के स्ट्रेंथन किया वे इन ट्रेंड के घटाने ला तो जै भी जॉब लाए जो डिग्री जमा कराए तो काउंटर वेरिफिकेशन थे घुर्जे ठीक है पर कोई इदारो अड़े हिसाब से डिग्री जारी न तो कर सके नंबर एक नंबर टू जो एलिमेंट है ये जो डोमिसाइल पूरा ठही था वन हाँ जिनो तुझाओ मीडिया भी हाईलाइट किया है हाँ मुझी उनमें सजेशन है जो मीडिया जिनके हाईलाइट किया है उन हेठा कें ऑफिसर की सिग्नेचर होंगी ना बिल्कुल
उन ऑफिसर की सिग्नेचर होंगी ना सिर्फ पंजन मानन के आइडेंटिफाई कर जाली डा मिसाइल है तो उन ऑफिसर की सिग्नेचर है उन प्रॉपर मोहतसिब आला के ऑफिस में उन्होंने खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते थी पी ए फेडरल प्रोसेस कमीशन में उन्हें कंप्लेन कर सकते थी पी उन कैंडिडेट के खिलाफ ठीक है ए कोर्ट में जो है कंप्लेन थी सके थी पी तो इन ऑफिसर तो वो रिकॉर्ड चेक कर वे तो उनके लवाजमात हुई डोमिसाइल ठहन ला उ पूरी क्यों जेके उन्हन पूरी न कयूं आहिन पो त उन्हन जे खिलाफ कारवाई थन गोजे करप्शन न हिकड़ो मुजे वरी बियो बे इन में जका शय न मा वो तहां जे हवाले सा तहां हन वक्त सो मेन स्ट्रीम में आयो हाने या मैसेज सर्विस न वक्त सब खा आसान आ तहां वट बेड़ा मैसेजेस पोगा हुंदा तहां मिसाल तौर जे कहें ओदे ते बैठायो कहें भी शय ते तहां इन हवाले सा के एड़ियो एफर्ट्स तहां वठो पान वठो त हाने हुआ त हर मानु कोर्ट में वनी सके तो न असा वनी सगुंदा केर वनी सके तो जे वट सबूत होजे पर तहां पहेजे के माना ओदे ते बैठायो तो उता माना काशे ता करे सगो था कयो था दिसो न जी मां डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में अलोकेट थियो आया त मुस्तकबिल में जदे मुजी पोस्टिंग के टाउन ते थे थी या डिस्ट्रिक्ट में थे थी है मुजी अख्तियार में या शे जदे अचे थी त हाने उन शे सा जदे अवेयरनेस वदिया असन इंडिविजुअल बेसिस ते जको है जके ऑफिसर उए इयो करे सगन था पया त उए नन वट जदे हाने फ्यूचर में डोमिसाइल ठन अचन त उनन जी वदिक सख्ती असन जको है स्क्रूटनी जांच पड़ताल जको है करे पो डोमिसाइल इशू कन इयो या जका अवेयरनेस फैल जे थी उन सा इयो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जको है वदी क्रिएट थे तो मैसेजेस अड़ा भी हलिया था वन टोटली गलत हाँ ताज़ा अस मतलब 2011 के एग्जाम्पल भी कुछ अड़ा मैसेजेस आया चार पांच नाला पर जदा अस रिजल्ट में मैच किया तो अड़ो नालो ही को ठीक है एक थी हथरादू नाला भी हलिया था वन बो गाल वक्त अस चेयरमैन जो राना भगवान दास साहब है त इहा ॻाल्हि हाणे ज़ाहिर आहे त इहो कोई बि फेक डोमिसाइल वारो हली नथो सघे छो त उन्हनि इंटरव्यू में अहिड़ो सेशन रखी छॾियो आहे त जेको जंहिं डोमिसाइल मां अचे थो त हुनखे हुन डिस्ट्रिक्ट ऐं प्रोविंस जो ज़रूरु पुछनि था त जेको फेक डोमिसाइल सां अचे थो त उहो त उते ई पधरो थी थो पए ऐं ईअं ॿ केसिस थी बि चुका आहिनि त 2010 में चेयरमैन साहिबु जेको आहे ॿिनि खे फेल करे विधो आहे जेके सिंधी डोमिसाइल सां हुया त को बि कहिड़े डोमिसाइल सां हाणे नथो वेही सघे छो त हुननि जे एफ पी एस सी जो हिकिड़ो सुठो क़दम आहे त उहे प्रोविंस ऐं डिस्ट्रिक्ट जे बारे में उते पुछनि था पिया सही अच्छा साईं अल्ताफ़ साहब इहा ॻाल्हि कंदुसि त हाणे असां वटि जेके सवेर खां ॻाल्हि पिया कयूं त रेशो जेको वधियो आहे स्टूडेंट्स जो ऐं मोस्टली असां वटि एवरेज जेकॾहिं कढूं था त हर साल असांजो सिंध जूं जेके सीटूं बीहनि थियूं उहे 35-40 इहा एवरेज असांजी बीहे थी त पोइ हेॾो हज़ारनि में जेके शागिर्द वेहनि था त उहे माना अकोमोडेट कीअं थी सघनि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते उन्हनि लाइ वरी पोइ कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ बचंदियूं जेके उन्हनि 35-40 में कोन था अचनि न हाणे ॻाल्हि इहा आहे त सिर्फ़ु सी एस एस जो ई हिकिड़ो इम्तिहान कोन्हे जंहिंजे ज़रिए माण्हू रोज़गार वठी सघे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सी एस एस खां सवाइ बि तमामु घणा एग्ज़ाम कंडक्ट कराईंदी आहे ईअं पब्लिक सर्विस कमीशन हर सूबे जी उहे मुख़्तलिफ़ एग्ज़ाम कंडक्ट कराईंदी आहे उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ मुख़्तलिफ़ इदारा उहे मुख़्तलिफ़ एग्ज़ाम कंडक्ट कराईंदा आहिनि जेको माण्हू सी एस एस जो एस्पायरेंट आहे ऐं सी एस एस जे हवाले सां हुनजी महिनत आहे त उहो किथे न किथे कंहिं ॿिए एग्ज़ाम में किथे न किथे एडजस्ट ज़रूरु थी सघे थो बाक़ी रही ॻाल्हि तव्हां जेको ॿुधायो पिया त 30 या 35 इहो को तइ कोन्हे सिंध जी 19% कोटा आहे पाकिस्तान जी हर साल मुख़्तलिफ़ सीट्स ईंदियूं आहिनि ठीकु आहे उन में सिंध जो जेतिरो रेशो बचे थो जेतिरी कोटा थिए थी उहो 19 हुजनि 38 हुजनि हिन साल जेको आहे सो 38 कामन में मुंहिंजी सम्झ में सिंध मां 100 माण्हू हुया असां जॾहिं 37 कामन में उन में 54 सिंध जा हुया त इहो ज़ोरी कोन्हे त को 30 या 35 इन खां मथे माण्हू सिंध मां विया आहिनि अच्छा साईं अल्ताफ़ साहब इहो इरशाद साहब हाणे इहो तव्हां खां पुछंदासीं त हीअ एज लिमिट वारो जेको फैक्टर आहे इन ते असां मुख़्तलिफ़ अख़बार में पढ़ंदा बि आहियूं शागिर्द लिखंदा आहिनि त माना एज लिमिट जेका उहा वधाई वञे तव्हां एज लिमिट वारे फैक्टर खे कीअं था ॾिसो इहा सही आहे या वाकई में इनखे वधाइणु खपे त पहिरीं त एज ॾिसो त 21 सालनि में जी एज खां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेको आहे 21 सालनि खां 28 सालनि ताईं आहे प्लस उन में जेके गवर्नमेंट सर्वेंट्स आहिनि ऐं कुझु माइनॉरिटी ग्रुप्स आहिनि जंहिंजे लाइ उहा 2 सालनि जी उन्हनि खे रिलेक्सेशन आहे जेके 30 ईयर ताईं जेको आहे 30 ईयर्स ताईं इम्तिहान ॾेई सघनि था जेसि ताईं तव्हां जंहिं रुइमर जी ॻाल्हि कयो था त एज वधणी आहे त उहा त एफ पी एस सी उन ते बि क्लियर चई छॾियो आहे त स्टेटमेंट जारी करे छॾी आहे त असां एज में कोई एक्सटेंशन वधीक उन में कोन पिया कयूं पर जेसिताईं तालुक आहे त छा वधणु घुरिजे या न घुरिजे मुंहिंजो रायो इहो आहे त इहे जेको 28 जी लिमिट आहे उहा सही आहे
इन करे त दिसो नौजवान हिकड़ो सीएसएस जी तैयारी करे थो वो हिकड़ो डेफिनेट टाइम में उनके खबर पवन घुर्जे त छा वो उन में पास करे वयो या न ये न त हु जेको आहे अन्या बटे साल ब्याब जेको आहे इन इंतजार में त अन्या वधिक बीहर तैयारी करे जेको आहे अटेम्प्ट अन्या असा में अक्सर कैंडिडेट्स में ट्रेंड यो आहे त वो हर साल समझंदा आहिनि त अन्या असांजी तैयारी पूरी न थी आहे अन्या बे साल ॾींदासीं अन्या तैयारी पूरी न थी आहे अन्या बे साल ॾींदासीं ऐं ईअं जेकॾहिं हू डिले कंदा रहंदा त हू पंहिंजो बेसिकली सुभाणे सी एस एस बि न करे सघनि ऐं ॿिए एवेन्यूस ते बि अप्लाई न कनि तो यो जेतो ऐं जेतिरो यंग ऑफिसर सिलेक्ट थींदो उहो फ्यूचर में जेको कैरियर आहे उहो ओतिरो प्रोलॉन्ग थींदो उहो ओतिरो मथे वेंदो साईं हिकु शागिर्द वेठो आहे असां हिन खे मौक़ो ॾियो त हीअ ॻाल्हाइजी सर जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त एज लिमिट वग़ैरह सां जल्दी सी एस एस करण सां ईअं कासिमाबाद में हैदराबाद में अहिड़ो को प्लेटफॉर्म कान्हे को पर्टिकुलर ई ॿ टे हुया प्लेटफॉर्म बंदि थी विया हाणे रिसेंटली हिकिड़ो कॉमिक्स अकेडमी आहे जेका पंहिंजो रोल प्ले करे रही आहे तव्हां हुन बारे में छा सजेस्ट कंदा हिकिड़ी अकेडमी कैंडिडेट्स की ग्रूमिंग में या उनके जल्दी क्वालिफाई करने में हेल्प करे सके ना अकेडमीज ते जगह स्टूडेंट्स पढ़न था वरी मां इन में वरी बी एड कंदस हिकड़ी शइ त हिकु त अकेडमीज ते पढ़न था वो अकेडमीज केतिरो थियूं ग्रूम कनि स्टूडेंट्स के ऐं ॿियो असांजो ॿाराड़ीअ जो माण्हू जेको अकेडमीअ ताईं कोन थो पहुची सघे त उहो छा करे हा ॾाढो सुठो मुनासिब सवाल आहे हिकु त पहिरीं त असांखे अकेडमीज खे आइडेंटिफाई करणो पवंदो त हिकु त कमर्शियल एंटिटीज़ हिकिड़ियूं आहिनि जेके सिर्फ़ु जेको आहे फीस वठण लाइ ऐं हलनि पियूं ठीकु आहे ॿियो जेकॾहिं जेन्युइन अकेडमी आहे का जंहिं ते हिकिड़ी प्रॉपर क्वालिफाइड सी एस एस क्वालिफाइड ऑफिसरनि जी फैकल्टी जेको आहे मौजूदु आहे त उहा अकेडमी हिकिड़ी सुठी मदद करे सघे थी पई कैंडिडेट जी ईअं त रहनुमाई जेको आहे न बुनियादी जुज़ आहे सी एस एस जी तयारी ठीकु आहे न वधि में वधि जेका सवेर बि असां पहिरीं ॻाल्हि कईसीं त 92% जेके कैंडिडेट्स फेल थियनि था पर वरी उन में जेकॾहिं रेशो कढंदव त पंजाब जा घटि फेल थियनि था सिंध जा वधीक फेल थियनि था उनजो रीज़न इहो आहे त पंजाब में हिकिड़ो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ गाइडेंस आहे त लाहौर में इस्लामाबाद में मुल्तान में फैसलाबाद में अकेडमीज़ आहिनि जिथे कैंडिडेट जंहिंजो सी एस एस करण जो जिन वटि रुझान आहे उहे जेको आहे सी एस एस जी वञी गाइडेंस वठनि था त कहिड़ा बुक्स पढ़जनि कीअं सवाल अटैम्प्ट कजे हिते हिकिड़ी वरी मां तव्हांजी हिन ॻाल्हि में एड कयां हिकिड़ी शइ त उते जेको आहे न हिकिड़ो ॿियो वरी जेका स्टूडेंट जी जेका ग्रोथ थी थिए या केरियर काउंसलिंग थी थिए उहो वॾो इफेक्ट थी करे हाणे असां वटि हिकिड़ो स्टूडेंट आहे इंजीनियरिंग में पढ़े थो या एम बी बी एस करे थो उते सी एस एस जी तयारी थो करे हाणे इंजीनियरिंग जी स्टडी एॾी सख़्तु हुजे थी एम बी बी एस एॾी सख़्तु हुजे थी उते हू सी एस एस जी तयारी थो करे त डेफिनेटली उनजो आउटपुट उहो कोन ॾेई सघंदो पर मोस्टली असांजा पंजाब जा जेके शागिर्द आहिनि या कुझु असांजा संगतीब आहिनि असां उन्हनि खे जॾहिं ॾिसूं था न हू इंटर खां पोइ कंटिन्यूअली बी ए करे सी एस एस जी तयारी था कनि उहो पंहिंजो हिकिड़ो स्कोप ई उहो था ठाहिनि एग्ज़ेक्टली एनवायरमेंट असांजो शागिर्द वरी थोरो ख़ौफ़ज़द आहे त यार जेकॾहिं सी एस एस न कई त इंजीनियरिंग त हुजे एग्ज़ेक्टली इन ॻाल्हि जो फैक्टर आहे त एनवायरमेंट जो वॾो असर पवे थो त हुते पंजाब जा कैंडिडेट्स सी एस एस तरफ़ वधीक फोकस्ड आहिनि उहो उनखे एज़ अ सोल माना प्रायोरिटी जेको आहे उनखे केरियर जेको आहे वठनि था ऐं असां जेको आहे इहो त हिकिड़ो हर कैंडिडेट खे ॾिसो हिकिड़ो ख़दशो हूंदो त वॉट इफ नॉट जेकॾहिं सी एस एस न पास करे सघियासीं त ॿियो छो ॿियो छा कंदासीं ठीकु आहे त जीअं सी एम बी बी एस ऐं इंजीनियरिंग वारा कैंडिडेट्स आहिनि त मां सम्झा थो त उन हिते डाइवर्सिटी जेको आहे सो हुजणु घुरिजे जेतिरा मुख़्तलिफ़ शोभनि खां कैंडिडेट्स ईंदा ओतिरो जेको आहे सिविल सर्विसिस में जेको आहे डाइवर्सिटी रहंदी ऐं एफिशंसी जेको आहे उहा वधीक साईं वक़्तु मुख़्तसर आहे साईं अल्ताफ़ साहब खां जल्दीअ में हिकु ॿ क्वेश्चन करे वठां त सर ही असां वटि ख़ासि करे ॿाराड़ीअ वारनि इलाइक़नि में जॾहिं इहे सेंट्रल इहो कुतुब खाननि में शागिर्द पंहिंजो जेको आहे स्टडी था कनि त उते अञा ताईं हिकिड़ी दुनिया ग्लोबल थी वई आहे माण्हू एजुकेशन हिकु ॿिए सां जेका ॼाणे उहा शेयर पियो करे पर असां केतिरा ई शागिर्द ॾिठा त उहे मटीरियल लिकाइनि था पंहिंजनि दोस्तनि सां शेयर न पिया कनि इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो इहो को नफ़्सियाती मसइलो आहे ऐं इन शइ जो को तालुक़ु सी एस एस जे इम्तिहान सां कोन्हे त केरु को साॻिया नोट्स पढ़ी करे साॻी शइ लिखंदो सही को ही को इम्तिहान ॿुधायल कोन्हे त हिन में ही सवाल ईंदा ही पंज सवाल रटे छॾियो इहे ई ईंदा इहो त कतई तौर ते इहा ॻाल्हि तय कान्हे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा सवाल अचनि था मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां तव्हां अटैम्प्ट कंदो इन जे करे इहो नफ़्सियाती मसइलो आहे सवेर जेका ॻाल्हि थी एज लिमिट वारी उन में हिकिड़ी ॻाल्हि एड करियां त इनकरेजमेंट जे लाइ या उन्हनि खे इंसेंटिव ॾियण जे लाइ जीअं 28 साल हूअं आहे त कुझु माण्हुनि जे लाइ 30 साल बि आहे शेड्यूल कास्ट वारनि जे लाइ 30 साल आहे ॿुधिस्ट माण्हुनि जे लाइ 30 साल आहे डिसेबल माण्हुनि जे लाइ 30 साल आहे या जेके माण्हू 2 साल कंटिन्यूसली गवर्नमेंट सर्वेंट रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ 30 साल आहे सही ठीकु आहे त इहो को सभिनी जे लाइ 28 साल कान्हे
अच्छा सर ही जेके माना असंजा ये जेके ने ट्रेनिंग दौरान थोड़ो जल्दी में थोड़ो पे एक्सपीरियंस शेयर कर दो ते जने ट्रेनिंग कयो था सीएसएस दौरान ते जाम क्रिएट थे स्टूडेंट्स में तो ट्रेनिंग में केड़ा केड़ा मरल आए सो था तो जल्दी में थोड़ो इन वाइंड अप कर लाडो सुठो तमा मखे पंजु यादूं जेको है ताजी कराए छियो सवाल पूछी सीएसएस जी ट्रेनिंग डाटी जानदार एकरी ट्रेनिंग होंदी है जे में न सिर्फ तमा जा कुछ सब्जेक्ट्स होना है जिन ते तमा के वडा वडा स्कॉलर्स जेके मुल्क जैन उए पढाइंदा है प्लस जेको है उन सा एकरो प्रैक्टिकल एलिमेंट ऑफ जेको है ट्रेनिंग होंदो है जे में ता जो फील्ड विजिट्स कम्युनिटी विजिट्स होंदियों जैमें तुम डिपार्टमेंट्स में वही दिसो था तो डिपार्टमेंट्स किए था कन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस कम किए थी कन उन्होंने तुम रिसर्च कंडक्ट किया था उते तुम पब्लिक स्पीकिंग एक्सरसाइजेस थन थी उते तुम गेस्ट नाइट्स थन्दियों जिथे जो सो मुल्क जहाँ नुमाया जो ऑफिसर्स पर्सनैलिटीज अचन थी उन्होंने तक मुलाकात जो कचहरी करण जो मौको मिले तो सी एस सिविल सर्विस अकेडमी में तुम कल्चरल नाइट किया हर जो है प्राविंस पाँची कल्चरल नाइट कह है सिंध वा पाँची मेहरान नाइट जो है मल्हाइंदा उनमें कल्चर उजागर करण जो है मौको मिले तो ढी एक हेल्दी जो है एक्टिविटी होंगी है जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है में किरदार अदा करे थी साईं अल्ताफ साहब असो सिंध जो स्टूडेंट आ या उम्मीदवार जैसे वे तो सी एस एस में वो भला सूबाई कोटा से छो तो अच्छे मेरिट से एतो छो तो मथे चढ़े अस शागिर्द मेरिट त 7.5% ओपन मेरिट आहे उन में नौजवान सिंध मां आया आहिनि पर घटि रेशो आहे उहो उन जो छा कारण आहे सबबु इहो ई त अवेयरनेस कान्हे उन्हनि ताईं उहो प्रॉपर गाइडलाइन कान्हे जेकॾहिं प्रॉपर गाइडलाइन ई कान्हे त पोइ हू ओतिरो सुठो परफॉर्म न पिया करे सघनि सही जिन वट प्रॉपर गाइडलाइन आ उए सुठो जी साईं इन में माइट कंदला जी ननेड़े सेवर गाल की त असल जी साईं भी इन गाल के वाजे कयो त गाइडलाइन रहनमाई में जेके तैयारी कन था ना पंजाब असा जो कैंडिडेट जेको आ है पांजे गोठ में घर में वेई जेको सो तैयारी करे तो पंजाब जो कैंडिडेट वनी एकेडमी में पहिरे ही उन जो एजुकेशन बैकग्राउंड सुठी यूनिवर्सिटी जो है वरी वो एकेडमीज में तैयारी करे तो उन जी परफॉर्मेंस नेचुरली असा का वधिक रहे थी साईं इरशाद साहब साईं अल्ताफ साहब तां जी वडी मेहरबानी जो तां प्रोग्राम में शिरकत कई ही दोस्त जेके बाय सीएसएससी दे तैयारी बा कयो असा ताके विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर व्यूअर्स तमा असा जी गुफ्तगू बुधी अजो के असा जे प्रोग्राम करने जो मकसद ही यो हो त स्टूडेंट्स जिन हाने सीएसएस जा फॉर्म्स भरया ने जेके सीएसएससी रिटन में वेंदा उनन के असा कुछ गाइडलाइन दे सकूं ये एजुकेशनल प्योरली एजुकेशनल प्रोग्राम कयो सी और जेके इंटरव्यूज ही तैयारी पया कंदा उनन के भी इंटरव्यूज दे हवाले सा कुछ जेका हता रहनमाई फराम कर सकूं उनन जे सीनियरन मा व्यूअर्स असा जी ईमेल एड्रेस स्क्रीन ते नोट करे वठंदा असा के को भी मशवरो जण चाहो था का राय जण चाहो था इन ईमेल जरिए असा राबतो कयो इन प्रोग्राम जो हिस्सों बन जन चाहो था कें बे मौजूद बहस करान चाहो था जान हासिल करना चाहो था असा के इन ईमेल जरिए राबतो कर आगाही दींद इंदड़ हफ्ते वरी बेन मेहमान बे मौजूद से गुड तिदमत में हाजिर थन्दी तेस तीन मेज़बान लतीफ़ गादख डींदा इजाज़त सदाई गड़।